नरसिंहपुर में भगवान परशुराम की जयंती के पावन पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के समस्त विप्रो अपने परिजनों के साथ शामिल हुए। वहीं मातृ शक्ति ने भी रैली में भगवान परशुराम का जय घोष किया। बता दें कि विशाल समागम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, बीजेपी विधायक संजय शर्मा, नीलेश तिवारी, विधायक पाटन स्वामी, अखिलेश्वर नंद, तरुण भनोट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रैली का मुख्य मार्गों पर जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। ये बहुत गर्व और गौरव की बात है कि भगवान परशुराम जो तो हम आगे निकल गए थे भगवान विष्णु के छठ में आभार के रूप में जाने जाते हैं, वो ब्राह्मण कुल के आराध्य देव जाने जाते हैं। आप फोन तो करके बात ब्राह्मण कुल की होती है तो इसका आशय किसी जाति से नहीं होता है, बल्कि इसका आशय होता है अरे नहीं हम तो समाज को साथ देने वाला, समाज को करने वाला, समाज को आध्यात्म शक्ति देने वाला अगर कोई समाज है तो विप्र समाज जाना जाता है। शक्ति से भगवान परशुराम से जो हमारे आराध्य देव हैं उनके चरणों में नमन करते हुए आज हम इस बात का प्रण लें कि परस्पर हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। विप्रजन चाहे मस्जिद में हो, चाहे पान की दुकान में, चाहे चाय की दुकान में, चाहे बाजार में हो, चाहे बैठक में हो, कुछ भी हो, हम एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे लोग आपकी निंदा करने में अभी भी संकोच करते हैं, परहेज करते हैं, उनकी ताकत नहीं है। वह ये कहते हैं कि फलाने अरेस्टी ने कहा था, मैंने नहीं कहा कि फलाने मरा तो ऐसे ऐसे और सीधे आपके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि उसकी ताकत नहीं है। और इस कारण से सबसे पहले हम व्रत लें कि हम एक दूसरे की निंदा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। हमें